खाना बढ़िया खिलाते हैं ना? क्या खाते हैं आप? दाल चावल सब्जी। अच्छा अच्छा, रोज खाते हैं? रोज खाते हैं। अब मुर्गा मछली नहीं खाते हैं? मुर्गा नहीं खाते। अच्छा अच्छा, 365 दिन का कस्टमर रोज। ये लोग बोल रहे 365 दिन खाते हैं, साल भर खाते हैं आप यहीं पे? बहुत बढ़िया चाची, 8 पीस पूड़ी दे देते हैं 15 रुपए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रवि फूडी एंड ब्लॉग में। तो भाई जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी हम पटना में हैं और पटना में एक जगह पे हम जिसको बोलते हैं कारगिल चौक, कारगिल चौक पे एक बहुत ही महान काम किया जाता है जो कि होता है सिर्फ 15 रुपए में आपको मिल जाएगा भर पेट खाना, और 40 रुपए में आपको मिल जाएगा 2 पीस चिकन, चावल, दाल, सब्जी जो लेना ले लीजिए आप, और 40 रुपए में आपको मछली मिल जाएगा, मछली का एक प्लेट मिलेगा। तो यहाँ का सिस्टम ही कुछ अलग है भाई, आपको यहाँ टोकन लेना पड़ेगा, आप पैसा दीजिए टोकन लीजिए, उसके बाद फिर अंदर जाइए आप, देखिए वहाँ पर भीड़ कितना ज़्यादा लगा हुआ है खाना खाने के लिए। सारे लोग आते हैं, बच्चा से लेकर के बुजुर्ग तक आते हैं आप। तो चलिए अंदर चलते हैं फटाफट, हम लोग भी आपको एक बार सिर्फ देखिए, यहाँ हम लोग खाना खाने के पर्पज़ से नहीं आए हैं, हम लोग बस थोड़ा थोड़ा लेकर के टेस्ट करेंगे, देखेंगे हम लोग यहाँ पर खाना कैसा खिलाया जाता है, टेस्ट कैसा होता है, मसाला कैसा यूज़ करते हैं। ये देखिए दोस्तों अभी कितना ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है, सारे वर्ग के लोग यहाँ पर आते हैं, खाना खाते हैं, और बहुत ही सस्ता, बहुत ही बढ़िया खाना खिलाया जाता है। अच्छे से समझ लीजिए आप, इसको बोलते हैं कारगिल चौक। देखिए ये आपको दिख रहा होगा बीच में, बस यहाँ पे आपको चौक पे एक मिलेगा बहुत बड़ा पेड़ के पास ही आपको मिल जाएगा। ये देखिए मात्र 15 रुपए में थाली। दास तो क्या क्या है बताइएगा जरा मेरे को। हमारे पास भैया जो है कि क्या था, मछली फ्राई है, ये मछली फ्राई हो गया, ग्रेवी 40 रुपए में 2 पीस मछली, दो पीस मछली। बहुत बढ़िया साइज मिलेगा, साइज भी बहुत बढ़िया आपका। हाँ जी, उसके बाद में अंडा करी है, अच्छा 25 रुपए प्लेट मिलेगा चावल के साथ, ये 25 रुपए में 2 पीस मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। ये आपका चिकन है सर? अच्छा, चिकन का क्या रेट है? चिकन का 40 रुपया है, 40 रुपए में 2 पीस चिकन चावल। जी, 2 पीस चिकन और चावल, और फ्राइड चिकन भी मिल जाता है यहाँ पे, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। हांडी वाला भी अगर कस्टमर देते हैं तो हांडी भी तैयार कर देते हैं, हांडी भी तैयार कर देते हैं, उसका क्या रेट रहता है? 900 रुपये किलो। यहाँ पे टोकन सिस्टम है और 15 रुपये में आपको यहाँ पे वेज थाली मिल जाएगा, 40 रुपये में आपको नॉन वेज थाली मिल जाएगा। तो आई डोंट थिंक भाई कि ऐसा काम कहीं पे पटना में होता होगा, यहाँ पे आकर के भाई बहुत मज़ा आया। यहाँ देखिए डेली का यहाँ पे जो मेन्यू लगा हुआ है ना, वो मेन्यू भी अलग अलग है, आप देख सकते हैं सिर्फ 15 रुपये में थाली है। सोमवार को अलग मेन्यू में आएगा खाना, और मंगलवार को, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 7ों दिन का खाना का जो मेन्यू है इनका चेंज होते रहता है। तो ये सबसे अच्छा चीज़ हुआ है यहाँ पर देख करके भाई, मज़ा आ गया। खाना कैसा लग रहा है छोटू? खाना बढ़िया लग रहा है? अंडा चावल खा रहे हो आप तो? 25 रुपये का है ना ये? तो अगर आप ग्रेवी वगैरह दोबारा मांगते हैं तो मिल जाता है, मिल जाता है ना दोबारा? खाना बढ़िया है ना भैया? हाँ बोलिए भैया। पानी लाना पड़ता है, पानी लेकर के आना पड़ता है, बस एक ही प्रॉब्लम है कि पानी का यहाँ पे दिक्कत है, बाकी सब ग्रेवी का, ग्रेवी दोबारा मिल गया। हाँ, और खाना पूरा बहुत बढ़िया लग रहा है हमको। अच्छा, खाना वाना ग्रेवी वेवी बढ़िया रहता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का दिक्कत है, वो पानी का दिक्कत है। 10 रुपये उबाल अंडा मिलता है, 10 रुपये में, सही बात है, उबाला हुआ अंडा मिलता है, लेकिन यहाँ पे अंडा करी दे रहे हैं 25 रुपये में, इसलिए ना इतना भीड़ लगा हुआ है भैया, देख रहे हैं आप, यहाँ पे लग रहा है कि मार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ है, और रेगुलर ऐसा ही भीड़ रहता होगा यहाँ पे तो। ये अंडा करी का प्लेट रेडी कर रहे हैं? जी जी सर, 25 रुपये का है ना? जी जी जी, चलिए बहुत बढ़िया। ये देखिए दोस्तों अभी अंडा करी का प्लेट रेडी हो रहा है, एक बार में 4-4 प्लेट 5-5 प्लेट रेडी होता है, लोग यहाँ खड़ा होकर के वेट करते हैं, इसे कितना अच्छा काम ये कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि पूरे पटना में ऐसा कहीं पर भी काम किया जाता होगा। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, बुजुर्ग से लेकर के जवान तक जितने स्टूडेंट्स हैं सारे लोग आते हैं, कॉलेज के टाइम आ जाते हैं, अब समझ सकते हैं ये कितना अच्छा उपकार का काम कर रहे हैं। हाफ बॉयल चावल रहता है ना? अच्छा अच्छा, और ये दाल हो गया अपना, ये देखिए दोस्तों ये बफे सिस्टम यहाँ लगा रहता है, और यहाँ पे प्लेट आते रहता है धोआ धोआ करके, और ये हो गया अपना सब्जी, आलू चना का सब्जी, और ये हो गया पूड़ी। तो पूड़ी पूड़ी का क्या रेट है? 15 रुपया है सर, 15 रुपये में 8 पीस पूड़ी है, सेवई उसके साथ में, सेवई भी देते हैं, सेवई रेडी है? नहीं अभी खत्म हो चुका है। अच्छा, नाश्ता का खत्म हो गया है, चलिए बहुत बढ़िया। 25 से 30 किलो डेली भेज देते हैं आप लोग पर डे? तो आज का पूरा आप लोग चिकन बना के रख दिए? और मछली कितना किलो बनाते हैं? 25 केजी मछली बना देते हैं, 3 कार्टून अंडा। मैंने हमको लगता है कि 50 किलो के आसपास बन जाता है नॉन वेज ना? चलिए बहुत बढ़िया बात है। टाइमिंग क्या रहता है आपका? टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक। सुबह मतलब नाश्ता शुरू करते हैं आप लोग, उसके बाद फिर अपना खाना शुरुआत करते हैं, खाना जितना उतना खाइए, 40 रुपये लगेगा। सादा है 15 का, जैसे कि हाँ 15 का, तो 40 का हाँ। मिलेगा चिकन खाइए तो 40 के मिलेगा, अंडा खाइए तो 25 के मिलेगा, सादा खाना 15। कैसा लग रहा है छोटू खाना? खाना ठीक लग रहा है ना? क्या क्या खा रहे हो? मछली चावल 40 रुपये का है, 2 पीस मछली मिल जाता है, और ग्रेवी वगैरह तो अनलिमिटेड मिलता होगा, चलो बढ़िया है ना। तो भैया अभी क्या क्या बना रहे हैं आप? चिकन है,
जी मछली है, ये मछली फ्राई कर रहे हैं, ये मछली फ्राई है। अच्छा सरसों तेल में फ्राई करते हैं, प्योर धारा है। अच्छा धारा तेल में फ्राई करते हैं और वहाँ पे मैरिनेट करके रखे हैं। मैरिनेशन में क्या क्या मसाला डालते हैं? उसमें ज्यादा नहीं डालते हैं, आधी डालते आधी लहसुन जीरा गोलकी डालते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जो ग्रेवी रेडी करते हैं वो ग्रेवी में गरम मसाला आता है, मीट मसाला आता है। सरसों डालते हैं कि नहीं? सरसों मछली का रहता है, मछली का सरसों रहेगा ना। हाँ हाँ वही पूछ रहे हैं। और चिकन में डालते हैं ये सब? चिकन में ये सब आधी लहसुन प्याज। अच्छा अच्छा, इतना सस्ता खाना, इतना अच्छा खाना। आलू चना के मेरे पास सब्जी है सर। आलू और चना जी सर, बहुत बढ़िया, ये तो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जी। एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये दाल हो गया? ये दाल, दाल प्रॉपर छोक मार के बनाए हैं जी। एकदम दाल है हमारे। अच्छा, रहर मसूर मूंग का दाल रहता है। रहर मसूर मूंग तीन प्रकार का दाल इसमें मिला देते हैं। पतला मोटा नहीं है, एकदम मीडियम, एकदम वो तो हम देख रहे हैं। तीन प्रकार का दाल आप मिलाए हैं, लेकिन कितना बढ़िया पका हुआ है। और ये हमारा चिकन का ग्रेवी है। ग्रेवी रेडी रखते हैं जी सर, जी सर। अच्छा, ये सुबह सुबह बना देते हैं आप लोग ग्रेवी वगैरह? सुबह बनाते हैं, फिर 3 बजे बनाएंगे शाम के लिए। भेज खा, ये भेज थाली है ना जी? भेज थाली है। अच्छा अच्छा, ये देखिए दोस्तों, भेज थाली आपको दिखा रहे हैं हम। ये सिर्फ 15 रुपए का है और चावल दाल और सब्जी इनको मिल गया है। आज भुंजिया, अच्छा भुंजिया में थोड़ा समय है ना। भाई अपना हम लोग थाली ले लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए लिए हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम खाना खा करके टेस्ट जरूर करते हैं जहाँ पे भी हम जाते हैं। तो ये अपना थाली है जो कि 40 रुपए का लिए हैं, जिसमें कि हम एक पीस मछली लिए हैं और एक पीस चिकन लिए हैं, साथ में चावल लिए। तो हम लोग तो इतना खाएंगे नहीं, ये भैया आए हुए थे साथ में, बोले कि भैया हमको भी भूख लगा है, हमें भी खिला दीजिए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस हम थोड़ा सा सिर्फ और चावल लेंगे, थोड़ा सा चावल लेते हैं और आपको हम बताते हैं, फिर इनको हम सारा दे देते हैं। ये देखिए, हम थोड़ा सा चावल ले लिए साइड से और थोड़ा सा ग्रेवी ले लेते हैं, थोड़ा सा ग्रेवी ले लिए, ये थोड़ा सा मछली लेते हैं। भैया ये लीजिए, आप खाइए। हाथ हम धो लिए थे, ठीक ना, टेंशन नहीं लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, अभी अपना हम लोग खाना ले लिए हैं और भैया को हम लोग खाने देते हैं। इनको भूख लगा था, इनके पास पैसा नहीं था, तो हम बोले भैया आप ही खा लीजिए, हटाइए, खेल लेते हैं अपना बाइट। फिश जो है अच्छा लग रहा है, सरसों का इसमें टेस्ट आ रहा है। जो फिश का ग्रेवी बनता है, जैसा फिश का ग्रेवी बनता है सारे होटल में, वैसा ही है। ऐसा नहीं है कि 40 रुपये में खिला रहे हैं तो भाई कुछ भी खिला देंगे। बहुत ही जेन्युइन फूड है, थोड़ा ठंडा है, क्योंकि देखिए भाई भीड़ बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, तो भीड़ में थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन बाकी सब चीज़ अच्छा है। और यहाँ पे भैया जी खा रहे हैं। भैया कैसा लग रहा है खाना? खाना ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। एक छोटा सा आपको वीडियो बताना था, एक जानकारी देना था कि हमारे पटना में क्या क्या मिलता है खाने को और कितना अच्छा काम हो रहा है। आप देख रहे हैं पीछे पीछे, आप देख रहे हैं भीड़ कितना है, दिखाओ एक बार। ये देखिए लाइन लगे हुए हैं लोग, तो आप समझ सकते हैं भाई ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलिए फिर, आपको एक छोटी सी जानकारी देना था यहाँ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता है क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोग जाने इस चीज़ को। और आई होप कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि ये शुरू करना चाहते हैं, तो अगर आपके मन में ये आ रहा है ना भाई कि शुरू करना है, तो शुरू कर ही दीजिए। चलिए फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।